स्वास्थ्य के क्षेत्र में रीवा वासियों को एक बड़ी सौगात मिली है, जहां उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने रीवा में अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल का शुभारंभ किया, जो कि सर्व संविधा युक्त है और मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि सभी को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए प्राथमिकता से चिकित्सा क्षेत्र में कार्य किए जा रहे हैं। आमजन को शिक्षा व चिकित्सा सुविधा मुहैया कराना हमारी प्राथमिकता में है। आपको बता दें कि अपोलो स्पेक्ट्रा अस्पताल, जो कि भारत की प्रमुख रिटेल हेल्थ केयर चैन अपोलो हेल्थ एंड लाइफ स्टाइल लिमिटेड का एकमात्र साधन रहा है, जो स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। यह अस्पताल शहर की गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की कमी को पूरा करेगा। यहां 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध है। खास बात तो यह है कि विंध्य क्षेत्र और आसपास के लोगों को व्यापक, सस्ती और विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं मिलेगी। इस कार्यक्रम के दौरान अपोलो हेल्थ एंड लाइफ स्टाइल लिमिटेड की सीईओ श्रीराम अय्यर, अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल और सेकेंडरी केयर पार्टनर नेटवर्क की सीईओ रुपिंदर कौर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। से जुड़े हुए कार्यक्रम में उपस्थित अपोलो ग्रुप के सीईओ आदरणीय श्री राम अय्यर जी, मनगवां क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय नरेंद्र प्रजापति जी, नगर निगम रीवा के स्पीकर आदरणीय वेंकटेश पांडे जी, अपोलो स्पेक्ट्रा के की हेड डॉक्टर रुपिंदर कौर जी, चैनल के लिए चला डॉक्टर नीरज अग्रवाल जी, जिन्होंने पिछले कई वर्षों से यहाँ पर एक अच्छा अस्पताल रीवा को मिल जाए, जिससे रीवा के लोगों को बाहर ना जाना पड़े, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर नीरज अग्रवाल जी, डॉक्टर कृतिका अग्रवाल जी और यहाँ की जो हमारे अपोलो रुपिंदर कौर जी का हो गया, डॉक्टर विजय अग्रवाल जी जो यहाँ पर रहेंगे, अंकुर जी पूरा देखेंगे। उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि रीवा में पोटेंशियल बहुत है, बहुत प्रगति हो रही है, एयरपोर्ट बनने वाला है, रेल की सुविधा है, हाईवेज बन रहे हैं, एजुकेशन में यू नो काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। तो हमारा मानना है कि ये एक हमने बहुत ही अच्छा स्टेप लिया हुआ है कि अपोलो हॉस्पिटल एंड अपोलो हेल्थ एंड लाइफ स्टाइल जो कंपनी हमारी, इन्होंने वर्ल्ड क्लास क्वालिटी हेल्थ केयर राइट एट द डोर स्टेप्स ऑफ रीवा में हम ले आए हैं। तो हमारी यही उम्मीद है कि मैक्सिमम पेशेंट्स एंड कस्टमर्स आज जो यहाँ से बाहर जाते हैं वो यहाँ की सुविधा लें, फर्स्ट पॉइंट एट यहाँ पे आएँ। हम यहाँ पे काफ़ी स्पेशलिटी बिल्ड कर रहे हैं, आप देख सकते हैं 100 बेड की फैसिलिटी है विद फुल डायग्नोस्टिक्स एंड इवन सीटी आल्सो हियर, एंड हम इसके ऊपर काफ़ी काम करेंगे आगे, एंड वी विल ऑल्सो रीच आउट टू लॉट ऑफ पेशेंट्स एंड कस्टमर्स इन रीवा। और हमारी उम्मीद यही है कि मैक्सिमम पेशेंट्स आके इसकी बेनिफिट लें और स्वास्थ्य के लिए जो सबके लिए जो चाहिए, एवरीबॉडी हेल्दी इंडिया इज़ वॉट यू नो इज़ अ फिट इंडिया। और जैसे हमारे इवन मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि रादर देन गोइंग आउट पहले यहाँ दिखा दें, और अपोलो का जो नेटवर्क है इंडिया में, वी हैव मोर देन 70 हॉस्पिटल्स इन इंडिया, सो यहाँ आने के बाद भी जैसे उन्होंने एक उदाहरण दी कि थ्रू एयर एम्बुलेंस कोई अपने पिताजी को लेके दिल्ली गए, वो विद अपोलोज इको सिस्टम वी कैन रेफर अक्रॉस इंडिया, नॉट ओनली डेली इवन टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल। तो अपोलो का जो बेनिफिट है वो कनेक्टेड इको सिस्टम है। आज हमारे पास हैदराबाद में एक कमांड सेंटर है जिससे आप टेली आईसीयू चला सकते हैं, यहाँ पे एक आईसीयू सिस्टम है, बट अगर किसी को इमरजेंसी केयर चाहिए या सेकेंड ओपिनियन चाहिए या हायर एंड ओपिनियन चाहिए तो वो रिमोट वे में थ्रू टेक्नोलॉजी टेली आईसीयू में कनेक्ट कर सकते हैं। वी हैव गॉट टेली रेडियोलॉजी, वी हैव गॉट डिजिटल पैथोलॉजी, सो लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी इज देयर इन द अपोलो इको सिस्टम, और उसकी जो इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी है, बेस्ट इन क्लास सर्विस है, आज रीवा में वो सबको उसका बेनिफिट मिल सकता है। रीवा में बहुत सारे हॉस्पिटल खुल रहे हैं और बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, अपोलो के बारे में मैं जानता हूँ, लेकिन जितने भी हॉस्पिटल हैं रात में 8 बजे के बाद वहाँ कोई डॉक्टर नहीं मिलता। अगर रात में कोई परेशानी होती है तो किसी भी नर्सिंग होम में कोई भी डॉक्टर नहीं मिलते, अंततः उनको सरकारी अस्पताल में ले जाना पड़ता है। आपके यहाँ क्या व्यवस्था रहेगी? सो हमारा ये हॉस्पिटल 24/7 है, इमरजेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, इंटेंसिव केयर है जो 24/7 है, तो ये शिकायत नहीं होनी चाहिए क्योंकि 24/7 इस पर चलाएंगे और क्रिटिकल केयर सर्विसेज भी अवेलेबल हैं, तो किसी भी टाइम पे अगर पेशेंट को कोई भी सर्विस अगर चाहिए तो यहाँ इस हॉस्पिटल में उपलब्ध होगा। आयुष्मान योजना का लाभ क्या मिलेगा जो मरीज आएंगे? अभी हम उसके लिए देख रहे हैं, उसको इवैल्यूएट कर रहे हैं, उसके लिए एप्लीकेशन डालना है। अभी
ऑपरेशंस थोड़े महीने पहले शुरू हुए हैं, बट हम डेफिनेटली उसके लिए अप्लाई करेंगे और एक बार ही हमारे को अप्रूवल आ गया तो उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। ये रीवा के लिए, विंध्य क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि है। हेल्थ के क्षेत्र का एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय लेवल का ग्रुप अपोलो ग्रुप ने आज यहाँ पर ऑपरेशन और मैनेजमेंट का काम इस हॉस्पिटल का अपने जिम्मे लिया है। अब इसको अपोलो स्पेक्ट्रा के नाम से जाना जाएगा और जो इस क्षेत्र में इनके द्वारा किया गया कार्य है उससे हम सबको भरोसा हो रहा है कि विंध्य क्षेत्र के लोगों को अब आने वाले वर्षों में तमाम तरह के जो हेल्थ के क्षेत्र में काम हो रहे हैं इलाज के लिए बाहर जाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। रीवा से अनुराग अग्निहोत्री की रिपोर्ट।